हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी टूर चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर, और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडब्ल्यूटी का एग्जांपल प्रोग्राम एसोसिएशन के थ्रू। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एडब्ल्यूटी का जो एग्जांपल प्रोग्राम बताया था वो इनहेरिटेंस के थ्रू था, और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसोसिएशन से कैसे एडब्ल्यूटी का प्रोग्राम बनाया जाए। एक विंडो प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एसोसिएशन से बनेगा। तो एसोसिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, और कैसे क्या क्या चेंजेस करने होंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। वीडियो की ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने AWT बेस्ड विंडो प्रोग्राम इनहेरिटेंस के थ्रू बनाया था पिछले वीडियो में, आज इस वीडियो में हम लोग एसोसिएशन के थ्रू बनाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो पैकेज है इंपोर्ट करना, java.awt, वो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मान लेते हैं क्लास फर्स्ट टू हमने लिया, इनहेरिटेंस के थ्रू करने समय हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड किया था फ्रेम क्लास को। यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेंगे, बल्कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी को एसोसिएशन बोलते हैं, यानी एसोसिएशन जो होता है वो इनहेरिटेंस का अल्टरनेटिव है। कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि एसोसिएशन। जैसे अगर आपको कोई क्लास यूज करना है तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू, या आप उस क्लास को इनहेरिट करके भी उस क्लास के मेथड्स को यूज कर सकते हो। तो अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो एसोसिएशन के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट बना के फ्रेम बनाना है हमें, तो ऑब्जेक्ट बना के करेंगे। पिछले वीडियो में इनहेरिटेंस के थ्रू में एक्सटेंड फ्रेम करके बनाए थे, आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, जाओ प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे। तो एसोसिएशन का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना किसी भी क्लास का, और उसके साथ जुड़ के उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू सारा काम करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बटन का ऑब्जेक्ट बनाए, बटन का सेट बाउंड किए, अब इस बटन को ऐड करना है, तो अगर इस इनहेरिटेंस से होता तो डायरेक्ट ऐड करते है ना, डायरेक्ट ऐड मेथड को कॉल करते, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन के थ्रू है तो जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा कॉल करेंगे, यानी एफ डॉट एड मेथड कॉल होगा। उसी तरीके से सेट साइज करना है तो एफ डॉट सेट साइज करेंगे, सेट लेआउट अगर करना है तो एफ डॉट सेट लेआउट करेंगे, है ना, और विजिबल ट्रू सेट विजिबल ट्रू करना है तो एफ डॉट, यानी हर जगह उस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसी ये डिफरेंस है एसोसिएशन और इनहेरिटेंस में। अगर इनहेरिटेंस के थ्रू करते तो ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती और हर जगह ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होता, लेकिन अगर एसोसिएशन से बना रहे हैं तो हर जगह ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा। जहां भी फ्रेम की मेथड कॉल होगी वहां पे उस फ्रेम का ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको इस वीडियो में क्लियर करना है और समझना है। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट एसोसिएशन से बन रहा है, यहाँ पे कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है। तो हम लोग जहां भी बना रहे हैं, जहां भी यूज करना है, फ्रेम का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर पिछला वीडियो देखा है आपने तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी आप समझ लो कि एसोसिएशन से अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो हर जगह ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस होगा और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसकी मेथड कॉल होगी। अगर इनहेरिटेंस करते, मान लो अगर फ्रेम क्लास को यहाँ इनहेरिट कर देते तो क्या होता है, ये सारे मेथड जो फ्रेम क्लास के डायरेक्ट कॉल होते हैं। ये डिफरेंस है एसोसिएशन और इनहेरिटेंस में। मेन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सारा काम बिल्कुल सेम टू सेम होगा जैसे इनहेरिटेंस में करते थे वैसे ही, केवल डिफरेंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस का है। तो ये चीज एसोसिएशन के थ्रू हम लोग करते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। और इससे पहले कि प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार हमारे इस चैनल और वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि जो भी आने वाली जावा की वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ में वीडियो पूरा देखिए, और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में और एसोसिएशन के थ्रू AWT बेस्ड विंडो प्रोग्राम रन करके देखते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था इनहेरिटेंस के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेम क्लास को इनहेरिट किया था, और जो भी मेथड फ्रेम क्लास का है जैसे एड, सेट साइज, सेट लेआउट, सेट विजिबल, ये डायरेक्ट मेथड्स कॉल हुए थे, है ना। अब इसी प्रोग्राम को अगर एसोसिएशन के थ्रू बनाना है तो सबसे पहले इनहेरिटेंस यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे एसोसिएशन में, क्या मैंने बताया आपको थ्योरी क्लास में, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
मैंने बताया आपको थ्योरी क्लास में कि एसोसिएशन का मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, जिस क्लास से आप जोड़ना चाहते हैं, जिस क्लास का मेथड आप कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, कोई भी टाइटल दे सकते हैं आप, AWT यहां लिख दीजिए, एसोसिएशन फ्रेम, एसोसिएट फ्रेम, टाइटल पे आपको दिखेगा। अब यहां ये फ्रेम का मेथड है, तो यहां पे इसको कॉल करना है, तो एफ जो ऑब्जेक्ट है फ्रेम का उससे कॉल करेंगे। यही डिफरेंस है जो मैं आपको बताया थ्योरी क्लास में और वही प्रैक्टिकल क्लास में, इसीलिए जानबूझ के मैंने वो प्रोग्राम खोल के रखा था जो पहले पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आया वो आपके सामने मैंने चेंज किया है। क्लास का नाम भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। फर्स्ट ही रहने देते हैं, फर्स्ट में 1-2 कर देते हैं, फर्स्ट टू। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में नाम बदल जाएगा टू, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने के लिए कि वो प्रोग्राम फर्स्ट था तो ये फर्स्ट टू हो गया। ठीक है, तो ये चेंजेस कर दिए हमने। अब चलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट पे, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। second.java से सेव है ये फाइल, कोई कंपाइल एरर नहीं। first2.class है, इसको रन करें। देखिए आपको दिख रहा है जो फ्रेम का टाइटल था एसोसिएट फ्रेम यहाँ पे आपका आ रहा है, ये कोड है और ये इसका आउटपुट है। कोई चेंजेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनहेरिटेंस के थ्रू भी आप बना सकते हो और एसोसिएशन के थ्रू भी बना सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप इनहेरिटेंस करते हो तो आप जो भी मेथड कॉल करोगे वो डायरेक्ट कॉल करोगे। अगर एसोसिएशन से आप बना रहे हो तो जो भी मेथड कॉल करोगे फ्रेम क्लास का वो उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होगा। ये छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा AWT के एग्जाम्पल थ्रू इनहेरिटेंस एंड थ्रू एसोसिएशन। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो AWT से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।